कौन है विक्टोरिया गौरी जिनको लेकर हो गया विवाद। वकीलों ने लिखा राष्ट्रपति को खत। कोलिजियम की सिफारिश के बाद हाईकोर्ट की जज बनने की प्रक्रिया में एडवोकेट लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी का अब विरोध होना शुरू हो गया है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट के एक ग्रुप ने महामहिम राष्ट्रपति को खत लिखकर इस नियुक्ति का विरोध किया है। पत्र में लगभग 21 वकीलों ने गौरी के बयानों की आलोचना करते हुए लिखा है कि उनके बयानों में कट्टर विचारधारा की झलक दिखाई देती है, लिहाजा वो हाईकोर्ट में जज बनने के लिए योग्य नहीं है। इतना ही नहीं, वकीलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी अपनी चिट्ठी में लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी के साल 2018 के एक इंटरव्यू का जिक्र किया है जिसका टाइटल है मोर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस जिहाद और क्रिश्चियन मिशनरी। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में कथित तौर पर गौरी कह रही हैं कि जिस तरीके से इस्लाम एक हरा आतंकवाद है उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी भी सफेद आतंकवाद है। जानकारी हो कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की सदस्यता वाले इस कॉलेजियम ने गौरी एवं चार अन्य वकीलों को मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का 17 जनवरी को प्रस्ताव किया था। वेंकटचारी लक्ष्मी नारायणन, पिल्लई पक्कम, बहुकुटुंबी बालाजी, रामास्वामी नील कंदन और कंदास्वामी कुलन विंदुल रामाकृष्णन सहित चार नामों को सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। बताया जाता है कि लक्ष्मणा चंद्र विक्टोरिया गौरी कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं। गौरी के अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल के बायो में भी इस बात का जिक्र है कि वो बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी है और इसी हैंडल से 31 अगस्त 2019 को ट्वीट किया गया था, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आप भी जुड़ें और न्यू इंडिया के निर्माण में हाथ बढ़ाएं। हालांकि अब ये ट्वीट डिलीट हो गया है। बता दें कि गौरी को केंद्र सरकार ने ASG भी नियुक्त किया है। 1973 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जन्मी विक्टोरिया गौरी को वकालत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के 5 दिन बाद 22 जनवरी को द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गौरी ने कहा था कि उन्होंने बीजेपी के सभी पदों सहित जून 2020 में पार्टी सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में सहायक सॉलिसिटर जनरल का पद संभालने से पहले मुझे पार्टी के सभी पदों से और सदस्यता से मुक्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।